अस्सलाम वालेकुम, नावल है रमजेश का और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो मैंने आप लोगों से कल वादा किया था कि मैं आप लोगों को आज एपिसोड्स दूंगी, तो मैंने कल एपिसोड लिख ली थी, तो आज की एपिसोड बिल्कुल तैयार थी। तो मैंने सोचा अपलोड कर दूँ, तो मैं सुबह से ही एडिट और काम कर रही थी। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल की भी एपिसोड लिखी जा सकें। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से, लेकिन अगर एपिसोड ना लिख सकी तो मैं आप लोगों को कल ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। तो कल इन्फॉर्म कर दूँगी कि भाई एपिसोड आज नहीं आएगी, इसी टाइम आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि एपिसोड, इसलिए आप लोग कल सारा दिन चेक ना कीजिएगा। अगर आप लोगों ने चेक करना भी हुआ तो 7 o'clock के बाद चेक कीजिएगा, क्योंकि अक्सर रीडर्स कहते हैं हम सारा दिन मोबाइल हाथ में पकड़े बैठे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि कब एपिसोड आएगी। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स में इजहार किया करें कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। तो नेक्स्ट प्लीज़, और एपिसोड शॉर्ट होने का शिकवा करने के बजाय अगर आप मुझे बताएंगे कि आपको नावल कैसा लग रहा, तो यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह ताला आपको फिर रोज़ एपिसोड देने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। आप लोग कह रहे होंगे कि नूर आसिफ रोज़ वादा करती हैं कि एपिसोड दी जाएगी रोज़, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऐसा है कि कोई ना कोई मजबूरी, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ेस, अब इनको एक्सक्यूज़ेस ही कहूँगी क्योंकि आप लोगों ने कहना है कि ये एक्सक्यूज़ेस हैं, तो मैंने पहले ही कह दिया। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं अपनी आज के एपिसोड की तरफ और मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज के एपिसोड पसंद आएगी क्योंकि नावल में ट्विस्ट आ गया है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं कुछ चीज़ें कवर अप कर रही हूँ जल्दी जल्दी, और मुझे पता है ये मेरा नावल है, इसको आगे कैसे लेके चलना है। आप लोग बेफिक्र रहें, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब एक कमेंट था कि मुझे समझ नहीं आ रही नावल को कैसे चलाना है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और ये नावल पूरा, आई मीन मेरे जहन में इसका खाका तैयार है और मुझे पता है इसका इसके साथ आगे क्या करना है। तमाम कपल्स की स्टोरी भी रेडी है, हाँ सीन्स अक्सर नहीं होते जो लिखने पड़ते हैं उसी टाइम लिखने पड़ते हैं, लेकिन नावल और हीर और अरहाम की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत क्यूट है, बहुत थ्रिल है, बहुत अमेजिंग है आगे से। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको इस तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे और इंशाल्लाह ताला एपिसोड बहुत अच्छी होने वाली है। और मैं आपसे उनका बहुत अच्छा होना, शहराम बहारे का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और अबरिश जरान की तो है ही अच्छी, लेकिन क्योंकि वो अभी आगे बढ़ रही है तो इसलिए अभी उसकी एपिसोड में मज़ीद थ्रिल होना बाकी है, आगे भी होना बाकी है। और इंशाल्लाह ताला ये आपको जुनून तेरे इश्क से ज़्यादा पसंद आएगी और पसंद आ भी रही है। तो अच्छा, बढ़ते हैं हम अपनी, मैं बार बार कह रही हूँ कि बढ़ते हैं अपनी आज के एपिसोड की तरफ। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कल की ये एपिसोड अगर 2K लाइक हो जाते हैं तो फिर मैं पूरी कोशिश किया, बल्कि मैं यकीनन आपको एपिसोड दे दूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे जल्द अज जल्द लाइक्स दें ताकि मुझे रात तक पता चल जाए और एनर्जी डेवलप हो जाए लिखने की। रमजेश की 26 तहरीर नूर आसिफ। अबरिश अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, अभी निकाह होने में काफ़ी टाइम था। वो काफ़ी देर पहले अपना मेकअप करवा चुकी थी, जो मेकअप आर्टिस्ट अपॉइंट की गई थी। उसे एक इमरजेंसी आ गई थी जिसके बायस उसे जल्दी निकलना था। अबरिश ने उसकी रिक्वेस्ट पर जल्दी से मेकअप करवा लिया था, मगर अब वो पछता रही थी कि उसने इतनी जल्दी मेकअप क्यों करवाया, इतना भारी ड्रेस, भारी ज्वेलरी। अब वो कमरे में बैठी थकने लगी थी। जरान ठीक कह रहा था, मैं खुद ही मेकअप करवा लेती, एक लिपस्टिक भी लगा लेती तो मैं अच्छी ही लगती। वो अपना दुपट्टा बेड पर फेंकती, ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ती, बुरी तरह झंझलाई। इंतज़ार तवील हो रहा था। जरान खानजादा की बातें याद करके दिल एक अजीब लय में धड़क रहा था। उसकी गुर्बत का सोचकर अभी से उसकी हथेलियाँ भीगने लगी थी, दिल कानों में बजने लगा था। अब रिश्वेट की तरफ बढ़ते अपना दुपट्टा उठाने ही लगी थी, कमरे में दाखिल होने वाली हस्ती को देख कर अबरिश के सर पर कमरे की छत गिरी थी जैसे। सईम, उसकी लबों ने बेयकीनी से हरकत की। अपना दुपट्टा बेड पर ही छोड़कर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरे कमरे में आने की। अबरिश सईम के मुकाबले आते गुस्से से चीखी, अबरिश तुम मुझसे इतनी बदगुमान हो जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। अबरिश को दुल्हन के लिबास में देखकर सईम के अंदर जलन की लहरें उठी थी, उसका दो आतशा रूप उसके अंदर हसद के शोले भड़का चुका था। अपनी बकवास बंद करो सईम, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले, निकलो मेरे कमरे से अभी के अभी। अबरिश सईम की ढटाई को देखते नागवारी से बोली, जो बिना इजाज़त ही उसके कमरे में घुस आया था। अबरिश कैसी बातें कर रही हो,
हम दोस्त हैं, दोस्ती के नाते मैं तुम्हारी तुम्हारे इस रवैये की वजह भी पूछने का हक नहीं रखता क्या? तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आए मेरे कमरे में? तुम्हें किसने आने दिया? अबजी ने सीने पर हाथ बांधते कारदार लहजे में पूछा। रहीम के सवालात उसने मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिए थे। अपनी रहीम के एटीट्यूड पर अपनी मुट्ठी भींच गया था उसे दुल्हन के लिबास में देखकर। वो अपनी सुध बुध खो रहा था दुल्हन, मगर अभी उसे खुद पर जब्त करना था जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। अपनी फूफो से मिलकर ही तुम्हारे कमरे में आया हूँ, उन्होंने ही मुझे तुम्हारे कमरे का बताया है, रहीम ने खुद पर काबू पाते काफ़ी तहम्मुल से कहा। वो अपना जब्त खोकर अपरिश को मज़ीद खुद से बदगुमान नहीं कर सकता था। अपरिश को कैसे डील करना है वो जानता था। तुम यहाँ क्यों आए हो? किस हैसियत से इस हवेली आए हो? मैंने या जरान ने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया, अपरिश ने रहीम को खामोश खड़ा देखकर अपने लफ्ज़ों पर जोर देते पूछा। लहजे में पहले से ज़्यादा दृष्टगी धर आई थी। वो रहीम को देखकर इतने गुस्से में आ गई थी कि अपना दुपट्टा तक लेना भूल चुकी थी। वो ब्लाउज़ और लहंगा पहने अपना क़यामत खेज रूप लिए जहीम के सामने खड़ी थी। जहीम की नज़रें अब उसकी क़यामत खेज सरापे पर टिक गई थी। इतनी हसीन लड़की को सिर्फ उसी का होना चाहिए था। वो अपनी गर्दन को पीछे से रब करते हुए उसके बदन पर नज़रें गाड़े सोच रहा था। पुप्पो ने इनवाइट किया था हम सबको, तुम भूल सकती हो मुझे अप्पू को, मगर हम लोग तुम्हें नहीं भूल सकते। जहीम की आँखें यकदम भीगी थी, अपनी नज़रों पर काबू पाते उसने अपने लहजे में आंसू की अमेज़िश शामिल की। ताया अबू भी आए हैं? अबरिश ने जहीम की भीगी आंखों को देखते हैरानगी से पूछा। अब्बासी साहब के साथ वो काफ़ी अटैच थी। जहीम अबरिश की दुखती रग पर हाथ रखने लगा था। काश आ सकते मगर उन्हें हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। जहीम की बात पर वो बेख्तियार उसके करीब हुई। कैसे हुआ ये सब? क्या कह रहे हो तुम? ताया अबू ठीक तो है ना? अबरिश के लहजे में शदीद परेशानी झलकी थी जिसे महसूस करता जहीम तंजिया मुस्कुरा गया था। इन्हें हार्ट अटैक कैसे आया ये तुम जरान खानजादा से पूछो, जहीम ने तंजिया कहते अबरिश को कटीली नज़रों से देखा। क्या किया है जरान ने? अबरिश ने सरसराते लबों से ठहरे लहजे में पूछा। जरान के गुस्से से वाकिफ थी ये भी कि पार्टी में जहीम की की हुई हरकत को किसी भी सूरत माफ़ी के काबिल नहीं गिरदानता था। उसने साफ लफ्ज़ों में उसे बावर करवाया था वो जहीम को उसकी सख्त सज़ा देगा। अबरिश का दिल हथेली पर धड़कने लगा था। यकीनन जरान ने कुछ बहुत गलत किया होगा, वो धड़कते दिल के साथ जहीम को देख रही थी जिसकी आंखें नमी लिए हुई थी, चेहरे पर बेइंतहा कर्ब था। जरान ने हमारी कंपनी के तमाम प्रोजेक्ट छीन लिए हैं, मार्केट में हमारे शेयर्स बहुत गिर चुके हैं, इस बात को पापा ने दिल पर ले लिया है, इन्हें हार्ट अटैक आया है। जहीम की बातों पर अबरिश ने परेशानी से अपना माथा मसला। जरान ये सब कुछ कर रहा था उसे अंदाज़ा ना था, बल्कि उसे बहुत तकलीफ़ पहुंची थी जरान के एक्ट पर। उसे जरान का ये अमल बहुत छोटा और सीधी लगा। वो कंपनी सिर्फ जहीम की ही नहीं बल्कि अब्बासी साहब की भी थी, फिर वो भी तो मुंसलिक थी इस कंपनी से। क्या हुआ, चुप क्यों लग गई तुम्हें? अपने होने वाले शोहर की घटिया हरकतों ने लगता है तुम्हें बोलने के काबिल नहीं छोड़ा, या फिर तुम भी उसके कारनामों में मुलविस हो? जहीम इस्तेहज़ाया हंसा था मुझ पर उंगली उठाने से पहले। अपने गिरेबान में झांक लो ज़रा मिस्टर जहीम अब्बासी, जरान का एक्ट अगर घटिया है तो तुम्हारा एक्ट घटिया तरीन था, अबरिश ने एक एक लफ्ज़ चबाया था। किस एक्ट की बात कर रही हो तुम? क्या किया है मैंने, वजाहत डालोगे कुछ तुम? जहीम ने अनजान बनते पूछा। जहीम तुम इतने अनजान क्यों बन रहे हो? या फिर तुम्हारे लिए यह आम बात है किसी भी लड़की की ड्रिंक में नशा और गोलियाँ मिलाना? क्या मकसद था जहीम तुम्हारा, क्या करना चाहते थे तुम? क्यों मिलाई तुमने मेरी ड्रिंक में गोलियाँ? अबरिश ने सपाट लहजे में उसकी आंखों में देखते सवाल किए। तुम मुझे ऐसा समझती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। मैंने जरान को भी छुटलाया था, मगर कौन कर सकता है तुम्हारे अलावा यह हरकत? तुमने ही ये ड्रिंक्स ऑर्डर किए थे, ड्रिंक्स आने से पहले तुम ही ड्रिंक्स काउंटर पर खड़े थे, अबरिश ने उसे शोलाबार निगाहों से घूरते हुए कहा। जहीम की मासूमियत पर उसका पारा हाई हुआ था। अबरिश जरान के हाथों से थप्पड़ खाने का मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना तुम्हारी बातों से हुआ है। अगर तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय एक बार मुझसे बात कर लेती तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता, मगर तुमने तो जरान की बातों में आकर मुझसे हर रबता मुनक़ता कर दिया। वो जूस का गिलास मारिया के लिए था।
शहरयार ने अपनी गर्लफ्रेंड के गिलास में वो गोलियां मिलाई थी। वो उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर उसका फ़ायदा उठाना चाहता था, मगर गलती से तुमने वो जूस का गिलास पी लिया। ये बात मुझे खुद शहरयार ने बताई है। ये सब सुनकर मैंने उससे हमेशा के लिए दोस्ती ख़त्म कर ली है। मैं ऐसे इंसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकता जो औरतों की इज्जत ना करता। वो ड्रिंक का गिलास तुम्हारे लिए ना सही मगर मारिया के लिए तो था। लेकिन जरान ने बिना किसी तहकीक के मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे पार्टी में सबके सामने थप्पड़ मारकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुमने भी मुझ पर यकीन नहीं किया, मैं बिल्कुल अनजान था। तुम एक पल के लिए सोचो, वो जूस पीकर तुमने एक लड़की की इज्जत बचा ली। सोचो वो जूस अगर मारिया पी ली थी तो उसके पास क्या बचता। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मगर ये मारिया के लिए शायद अच्छा हो गया, जरान के लिए भी अच्छा हो गया। अगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी दोस्त मुझसे रूठ गई, मेरी मोहब्बत मुझसे रूठ गई, मुझसे मेरा बिजनेस छीन लिया। क्या गलती थी मेरी अब्रिश, क्या कसूर था मेरा और मेरी फैमिली का क्या कसूर था जिन्हें इन सब की ये सज़ा मिली। सईम ने अपनी सुर्ख भीगी आँखें मसली थी। अब्रिश सईम की बातों को सुनते शौक के आलम में खड़ी थी। अब्रिश को गंग देख कर सईम की भीगी सुर्ख आँखों में इस्तेज़ाइयापन छलका था। वो जरान को किसी कीमत पर भी खुद से जीतने नहीं दे सकता था। अब्रिश की निगाह का सुनकर उसे अपना आप पतंगे की तरह हवा में बिखरता महसूस हुआ। वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, यहाँ तक उसके साथ वो अब्रिश की इज्जत के साथ भी खेल सकता था। उसे अब्रिश हर हाल में अपने पास चाहिए थी। जरान खानजादा ने उसे थप्पड़ मारकर अब्रिश को उसकी मोहब्बत के साथ जिद भी बना दिया था। जरान ने उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए, मार्केट में उसकी साख गिरा दी, जिसकी वजह से अब्बासी साहब को हार्ट अटैक आ गया था। ये सब सिर्फ जरान खानजादा की वजह हुआ था। अब उसे सिर्फ कुछ भी करके अब्रिश को हासिल करना था। बाहर उसके दोस्त गाड़ी में उसके इंतज़ार में खड़े थे। एक दफ़ा अब्रिश उसकी बातों में आकर हवेली से बाहर कदम निकाल लेती, उसे बेहोश करके उसकी इज्जत दागदार करना चाहता था। वो इंजाम की परवाह किए बगैर यहाँ चला आया था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, मकसद सिर्फ अब्रिश और जरान को जुदा करना था। उसके लिए शायद उसकी जान भी चली जाती, उसे परवाह नहीं थी। इस वक्त सिर्फ जरान को मुंह के बल गिराना ही उसका मकसद था। वो सही और गलत की हर तमीज़ भूल चुका था। वो सही मुझे अंदाज़ा नहीं था, ये हकीकत है, आई एम सॉरी, अब्रिश झुकी नज़रों से शर्मिंदगी से बोली। अब्रिश तुमने अब्बू की मोहब्बत का ये सिला दिया, अब्बू ने उस वक्त तुम लोगों को सपोर्ट किया जब कोई भी तुम लोगों को पूछता नहीं था। कहाँ थे ये हवेली वाले, कहाँ था ये जरान खानजादा, सिर्फ अब्बू ही थे जो दादा अब्बू की मुखालफत के बावजूद तुम लोगों के साथ खड़े रहे। जितना भी होता वो तुम लोगों की मदद करते। हमारे पास जरान खानजादा जितनी जायदाद नहीं है, ना ही जरान खानजादा जैसा स्टेटस है, मगर एक इज्जत है जो जरान खानजादा ने हमसे छून ली। किन्नी जुनी जायदाद है अब्बू की, मगर अब्बू ने फिर भी वो ईमानदारी से वो जायदाद तुम लोगों के हवाले की। दादा अबू की वसीयत थी तुम लोगों को एक टका न दिया जाए, मगर अबू ने किसी की एक ना सुनी। मगर क्या हुआ, अबू की इज्जत को तुमने और जरान ने एक टके का न रहने दिया। वो एहसान जितलाने के साथ साथ उसे इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहा था। अब्रिश की शर्मिंदगी से झुकी नजरें उसे बावर करवा रही थी। तीर निशाने पर लगा, आई एम सॉरी सही, मुझे अंदाज़ा नहीं था जरान ये सब करेगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब्रिश ने भीगे लहजे में कहते अपनी नज़रें झुका ली थी। अब्बासी साहब का सोच करी उसका दिल भर रहा था। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। हवेली आने से पहले उसे एक मरतबा ज़ईम से मुलाकात करनी चाहिए थी। अब्रिश मुझे गलत मत समझना, छोड़ दो इस जरान खानजादा को, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। वो एक मगरूर इंसान है जिसे अपनी ताकत और ऊंचे रुतबे पर गरूर है। ये खान लोग औरतों की इज्जत करना नहीं जानते। जो इंसान बिना तहकीक मुझ पर उंगली उठा सकता है, वो कल को तुम पर भी उंगली उठा सकता है। ज़ईम ने अब्रिश की झुकी नज़रें और उन नज़रों में आंसू देख कर उसकी तरफ बढ़ते उसके हाथ थामे। ज़ईम तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, मगर मैं जरान से मोहब्बत करती हूँ। उसने जो किया वो मेरी मोहब्बत में किया, उसे गलत फहमी हो गई थी।
मैं इससे बात करूंगी, वो सब ठीक कर देगा। मैं ताया अब्बू से माफ़ी मांग लूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ अपना कज़न समझती हूँ। तुम कभी मेरे दोस्त भी नहीं रहे। अबरिश ने गुस्से से अपने हाथ छुड़वाए थे। सिर्फ उसे अपना कज़न समझती थी। वो बहुत गिल्टी होने के बावजूद उसकी इस तरह की बातें नहीं सुन सकती थी। अबरिश की बात पर ज़हीन पागल हुआ था। अबरिश, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज़। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और ज़रान खान ज़्यादा कभी तुमसे मेरी जितनी मोहब्बत नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरे पास चले आओ, वो कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। ज़हीम ने आगे बढ़ते अबरिश का हाथ सख्ती से थामा। अबरिश हैरत से ज़हीम की आंखों में उतरा जुनून देख रही थी। वो पागलों की तरह उसके आगे गिड़गड़ा रहा था। उसकी ज़िद को उसका जुनून समझ रही थी, मगर वो सिर्फ अब उसकी ज़िद थी जिसके लिए वो अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। ज़हीम ने अब उसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़े थे। इससे पहले वो कुछ कहती कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खोला। अबरिश ने फक रंगत के साथ सामने देखा। ज़रान खान ज़्यादा सुर्ख आँखें लिए अबरिश को ही देख रहा था। अबरिश ने सरासीमगी के आलम में जल्दी से अपने हाथ ज़हीम के हाथ से छुड़वाए थे। ज़रान खान ज़्यादा के बदन में शरारे से फूटे थे। दंदों तेज़ भांबड़ चलते दहकता अलाव इख्तियार कर चुके थे। वो बग़ैर दुपट्टे के अपना शोला जवाला रोप लिए ज़हीम के बहुत करीब खड़ी थी। ज़हीम उसके हाथ पकड़े हुए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। ज़रान खान ज़्यादा लम्हों के हज़ारवें हिस्से से पहले ज़हीम तक पहुँचा। ज़हीम को कॉलर से पकड़ते पूरी कुव्वत से उसके मुँह पर ज़ोरदार मुक्का चढ़ दिया। वो ज़मीन पर मुँह के बल गिरा। अबरिश तो सफ़ेद रंगत के साथ ज़रान खान ज़्यादा को देख रही थी, जिसने उस पर एक नज़र डालने के बाद दूसरी नज़र नहीं डाली थी। मगर उसका सुर्ख तना हुआ चेहरा और उसकी गर्दन की नीली रगें देखकर अबरिश को अपनी धड़कने सीने में ही खामोश होती महसूस हो रही थी। उसने कभी इससे पहले ज़रान खान ज़्यादा को इतना गुस्से में नहीं देखा था जितना वो आज देख रही थी। तब भी नहीं जब उसने बाबरी को मारा था। उसका चेहरा इससे पहले इतना सुर्ख उसने नहीं देखा था। वो रुका नहीं था। उसने ज़हीम को गहरेबान से जकड़ते उसके मुंह पर मुक्कों की बारिश कर दी थी। ज़हीम के मुंह से बलबल खून बहने लगा था। अब रिस्ट्रांस की कैफियत में एक तरफ जमी ज़रान खान ज़रान को जानवरों की तरह ज़हीम को मारता देख रही थी। ज़हीम ज़रान का मुकाबला नहीं कर सका था। ज़रान का कसरती वर्जिशी बदन का मुकाबला करना उसके बस की बात ना थी और ना वो ज़रान की जुनूनियत का मुकाबला कर सकता था। ज़रान के चंद ही मुक्कों से वो ढेर हो चुका था। मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैंने क्या बगाड़ा है तुम्हारा? तुम एक वैश्य इंसान हो, अबरिश के लायक नहीं हो तुम। ज़रान के भारी बोझ की चोट अपने पहलू में महसूस करते वो दर्द से बुलबुलाते ज़मीन से उठते ज़रान के मुकाबले खड़ा हुआ। कौन काबिल है उसके? तुम? ज़रान ने गुस्से से चीख के ते अपने भारी हाथ का मुक्का बनाए ज़हीम के मुँह पर पूरी कुव्वत से मारा था। उसकी नाक से अब खून बहना शुरू हो गया। पूरी तरह चीखने लगा था। ज़हीम की आह पुकार पर होश की दुनिया में वापस आई थी। वो जल्दी से ज़रान की तरफ बढ़ी। ज़रान छोड़े इसे, क्या कर रहे हैं, वो मर जाएगा। अबरिश उसकी तरफ बढ़ी ही थी मगर उसकी सुर्ख कारदार नज़रों से घबराते वो वहीं पर रुक गई। ज़रान ने कहर बार नज़रों से अबरिश पर नज़र डाली जो अभी भी बग़ैर दुपट्टे के खड़ी थी। उसे अपनी अपना होश तक ना था। रुक जाओ वहीं पर, दो कदम भी तुमने और बढ़ाए तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूँगा, ज़रान धाड़ा। अबरिश उसकी धाड़ से ज़्यादा उसके लफ्ज़ों से लर्जी थी। वो वहीं पर स्टिल हुई थी। कदमों के साथ उसकी ज़बान भी चकड़ी जा चुकी थी। मान गुरूर सब कुछ टूटा था। इसी इसना में ज़नान खाने से शोर सुनती अमीना खानम रोज़ीना खानम जैले भागती हुई अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गई थी। अबरिश सजी संवरी दुल्हन के लिबास में बग़ैर दुपट्टे के खड़ी थी। ज़हीम ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा दर्द से बुरी तरह करा रहा था। ज़रान खान ज़्यादा गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ खड़ा अपनी घनी पेट पर हाथ फेरते अबरिश पर अपनी नज़रें गाड़े हुए था। क्या हुआ है ज़रान, ये सब क्या है? बाहर तक शोर आ रहा है। हमने मेहमानों को यही कहा कि ये शोर हवेली के बाहर से आ रहा है। गेट पर दिलदार खान का झगड़ा हो रहा है किसी के साथ। अमीना खानम ने आगे बढ़ते ज़रान के कंधे पर हाथ रखते पूछा। ज़हले ज़हीम को देखते अबरिश को देख रही थी जो पुत बनी खड़ी थी। ज़ीना खानम भी शौक के आलम में खड़ी थी। ज़रान बिना कोई जवाब दिए ज़हीम को कॉलर से घसीटता बाहर की तरफ बढ़ा। अबरिश ज़रान के जाने के बाद
अपना दुपट्टा बेड से उठाए खुद पर लपेटे जरान के पीछे लपके। अब्रिश कहाँ जा रहा है तुम, वो भी ऐसा हुलिया में? अमीना खानम ने अब्रिश को टोका था। अब्रिश ने दरवाजे के पास रुकते अमीना खानम को इस्तेज़ाया निगाहों से देखा। मुझे टोकने के बजाय आपको अपने बेटे को रोकना चाहिए था, जो हैवान बना किसी बेगुनाह को मार रहा था। अब्रिश रुख पलटते गुस्से से बोली, किस लहजे में बात करता है तुम हमसे? हमारा जरान कभी कुछ गलत नहीं करता। अगर उसने उस को हैवानों की तरह मारा है तो हमको यकीन है उसने एक हैवान की तरह हैवान को ही मारा होगा, मीना खानम सुर्ख चेहरे के साथ बोली। अब्रिश तुलखी से मुस्कुराती बिना कोई जवाब दिए बाहर की जानिब बढ़ने लगे। अब की बार जहले ने अब्रिश को बाजू से पकड़ कर रोका था। कहाँ जा रही हो अब्रिश, तुम दुल्हन हो जरान की, ऐसे बेपर्दा तुम बाहर जाओगी, सब क्या कहेंगे? जहले ने अब्रिश को नागवारी से टोका। भाड़ में जाएं यहाँ के रस्म रवाज और पर्दा जो किसी की जान से बढ़कर हो, अपने भतीजे के आगे आपको कुछ नज़र नहीं आता, गलत को गलत कहना भी आप भूल चुके हैं। जहीम से आपका खून का रिश्ता ना सही मगर ऐसा नात का रिश्ता तो है, आप तो वो भी भूल गई मगर मैं नहीं भूल सकती। अब्रिश एक एक लफ्ज़ चबाती अपना बाजू जहले के हाथ से छुड़वाती कमरे से निकल गई थी। जहले शर्मिंदगी से नज़रें झुका कर रह गई थी। तोबा तोबा, कुल से भी दो हाथ आगे हैं ये लड़की तो, जरान बेचारा की तो किस्मत फूट गया, इसको तो कोई शर्म लिहाज नहीं है। जहले क्या तरबियत किया है तुमने अपनी बेटी का, जिसको किसी का कोई लिहाज नहीं है। जीना खानम कानों को हाथ लगाए वहाँ से चली गई थी। जहले शर्मिंदगी से अमीना खानम की तरफ बढ़ी, वो जहले से कोई भी बात किए बगैर बाहर चली गई थी। जहले परेशानी के आलम में सर दोनों हाथों में थामते लरसते हुए बेड पर बैठी। जरान जईम को हवेली के पिछले हिस्से की तरफ लाया। हवेली के मेहमान खाने की तरफ पिछली तरफ एक दरवाज़ा खुलता था। जरान मेहमानों के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। जईम को अब्रिश के हाथ पकड़े देखकर वो खुद पर काबू ना रख सका था, वरना वो कभी कमरे में तमाशा ना करता। बहुत गुस्से के बावजूद उसे अब्रिश की इज्जत का ख्याल था, जो अब उसकी ही इज्जत थी। उसकी तरफ उठने वाली उंगली सीधा उसकी तरफ उठती। जईम और अब्रिश को साथ में ऐसे कोई और देख लेता तो आज सिर्फ अब्रिश ही नहीं बल्कि उस पर भी कई सवाल उठते। जरान गमों गुस्से से पागल हो रहा था। जईम अब्रिश का हाथ पकड़े उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो बाहर आकर भी उस पर मुक्कों और लातों की बारिश कर रहा था। उसे अपने मसामों से धुआं निकलते महसूस हो रहा था। उसकी दुल्हन, उसकी होने वाली बीवी जो इसकी मोहब्बत भी है, उस पर जईम अपनी गंदी नज़रें रखे हुए था। पार्टी में उसकी ड्रिंक में नशा और गोलियां मिलाकर वो क्या करना चाहता था, वो जईम की हवस प्रस्त नज़रें उसे अच्छी तरह समझा चुकी थी। जरान का दिल कर रहा था अपनी बंदूक की तमाम गोलियां उसके सीने में उतार दें। जरान छोड़ दें जईम को प्लीज़, अब्रिश की आवाज़ सुनते उसने बेयकीनी से पीछे मुड़कर देखा, जो दुपट्टा गले में डाले दुल्हन के लिबास में तेज़ तेज़ कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ रही थी। छोड़ दें इसे जरान, मारना चाहते हैं क्या उसे? अब्रिश ने जरान के करीब आते उसे बाजू से पकड़ते रोते हुए कहा। जरान तैशो इश्तियाल से छपड़े भींचे अब्रिश को देख रहा था, जो उसके करीब खड़ी जईम के लिए रोते हुए इल्तजा कर रही थी। वो इसे आज के दिन औरतों से भी छुपा कर रखना चाहता था। वो जईम के सामने बग़ैर दुपट्टे के खड़ी थी। अब वो ऐसी हवेली के पिछले लान की तरफ चली आई थी, जहाँ जरान के कुछ पर्सनल गार्ड्स भी खड़े थे। वो जईम को बचाने आई थी, जो उस दिन उसकी ड्रिंक में गोलियां मिलाकर उसे बेआबरू करना चाहता था, जो उससे उसकी इज्जत छीनना चाहता था। वो उसकी जान के लिए उसकी हर बात हर ख्वाहिश पसोपश टाल कर यूं बेपर्दा किसी की भी परवाह किए बाहर चली आई। जरान के अंदर अब्रिश के लिए गुस्सा शिद्दत इख्तियार करते जा रहा था। जरान प्लीज़ छोड़ें इसे, इसका कोई कसूर नहीं है। अब्रिश ने जरान की सर्द सपाट आंखों में देखते भराए लहजे में इल्तजा की, दूर रहो तुम इस मामले से, तुम अंदर जाओ तुम। जरान अब्रिश को देखते सब की कैफियत में झपड़े भींचे बोला। अपनी शाल कंधों से उतार कर अब्रिश को उड़ाई, मैं अंदर नहीं जाऊंगी जब तक आप जईम को छोड़ नहीं देते। अब्रिश ने जरान की शाल को सीने से जकड़े जईम को देखते कहा, जो ज़मीन पर ज़ख्मी हालत में लेटा करा रहा था। जरान ने गुस्से से जईम के पहलू में एक और टांग रसीद की तो उसकी चीखें आसमान को छूने लगी। अब्रिश उसे दर्द से कराहता देखकर उसकी तरफ बढ़ी। जरान ने उसकी कलाई को जकड़ी उसे सुर्ख आंखों से देखते आगे बढ़ने से रोका था। अब्रिश उसकी खून शाम निगाहों को देखते वहीं पर मजमद हुई थी।
खौफ से उसने जरान की गिरफ्त से अपनी कलाई भी नहीं छुड़वाई थी। लमसान, जरान हलक के बल चीखा था। अब्रिश उसकी धाड़ पर कांपते अपनी आंखें मीच गई। जी साहब, उमस्तदी से नज़रें झुकाए आगे बढ़ा। इसको हवेली से बाहर उठाकर फेंक दो। दिलदार खान से बोलो कि अब यह हवेली के आस पास भी नज़र आए तो इसे गोलियों से भून डाले। जरान सर्द सपाट अंदाज में हुक्म देते अब्रिश की कलाई चकड़े अंदर की जाने बढ़ा। अब्रिश खामोशी से जरान के साथ चल पड़ी थी। उसमें इतनी सख्त और हिम्मत ना थी जो इसका मुकाबला करती या उससे बहस करती। ज़हीम की जान बख्शी पर उसकी जान में जान आई थी। कमरे में दाखिल होते जरान ने अब्रिश को बेड पर पटखा। अब्रिश बेड पर औंधे मुँह जा गिरी थी। बेड पर गिरते अब्रिश ने अपने आंसुओं पर बंद बांधने की कोशिश की जो रुख पर टूट कर बरसने लगे थे। वो जानती थी जरान गुस्से का तेज़ है, मगर इतना गुस्से का तेज़ होगा उससे अंदाज़ा ना था। उसकी आंखों में खून उतरे देखकर अब्रिश की रगों में दौड़ने वाला खून भी साकित हो रहा था। क्यों आई तुम बाहर अब्रिश, वो भी इस होलिये में, जरान चीखा था। अब्रिश ने सीधे होते जरान को आंसुओं की धुंधलाहट में देखा। वो इस पर चिल्ला रहा था। इन चंद दिनों में उसने कितने वादे किए थे उससे कि वो कभी उस पर चिल्लाएगा नहीं, उस पर हाथ नहीं उठाएगा। वो अपना एक वादा तोड़ चुका था। किस हक से वो इस हवेली आया था? हिम्मत कैसे हुई उसकी तुम्हारे कमरे में आने की? जरा ने अब्रिश की तरफ बढ़ते उसे बाजू से चकड़े बेड से खींच कर उतारते अपने मुकाबले खड़ा किया। जरान की शाल इन दोनों के कदमों में ज़मीन बोस हुई थी। अब्रिश का दुपट्टा भी फिसलता हुआ उनके कदमों में पड़ा था। कुछ देर पहले इसी होलिये में ज़हीम के सामने खड़ी थी। ये सोच आते ही जरान की दिमाग की रगें फड़क उठी थी। अब्रिश को एक झटके से छोड़ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकता था, वरना उसकी गुस्से का ताप का निशाना अब्रिश ज़रूर बनती, जिस पर उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। कहाँ जा रहे हैं? अपने सवालों का जवाब लिए बगैर? ये सवाल नहीं, बेएतबारी है जो मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा रही है, अब्रिश जरान के मुकाबले आते हुए फीके लहजे में बोली। तुम ज़हीम के साथ कमरे में मौजूद थे, वो तुमसे इजहार मोहब्बत कर रहा था, तुम उसके हाथों में हाथ दिए खड़ी थी। मुझे सवाल करने का हक भी नहीं है क्या? जरान ने शरर बार निगाहों से सख्त लहजे में पूछा। सवाल करने का हक है, अगर शक करने का हक नहीं है, अब्रिश ने सपाट लहजे में कहते हिचकी ली। उसकी आंखों में पहली मर्तबा अपने लिए अजीब सी सख्त मेहरी देखी थी जो अब्रिश से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा तो फिर मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मेरी हर बात को पसे पश डाल कर तुम बाहर क्यों आई? क्या ताल्लुक है तुम्हारा ज़हीम से? दरान ने उसे कंधों से थामते अपने मुकाबले करते सख्त लहजे में पूछा। आपके जंगली और वहशीपन ने मुझे मजबूर किया कि मैं बाहर आऊँ, अब्रिश ने जरान की आंखों में देखते नम लहजे में चीख कर कहा। वो ज़हीम से उसके ताल्लुक के बाबत पूछ रहा था। इस सवाल ने उसे आग लगा दी थी। क्या जंगली वहशीपन दिखाया है, बता सकती हूँ मुझे? जरान ने अब्रिश को एक ही झटके से छोड़ते सपाट लहजे में पूछा। ज़हीम के साथ जो सलूक किया गया वो क्या था? वही सलूक था जो वो डिज़र्व करता था। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी हवेली में कदम रखने की? जरान ने गुस्से से बोलते हुए साइड टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर ज़मीन पर दे मारा था। अब्रिश खौफ से लरस कर रह गई थी। शिद्दत गम से उसका रवा रवा तड़प रहा था। वो इससे आखिर सवाल जवाब कर ही क्यों रहा था? क्या उसे उस पर यकीन नहीं था? कैसे तुम्हारे कमरे में आ सकता है? तुमने उसे आने ही क्यों दिया कमरे में? जरान ने अब्रिश के करीब आते सर्द लहजे में सवाल फिर से सवाल दागा। जरान का रवा रवा भी सलक रहा था। वो कैसे किसी को अपना हाथ भी पकड़ने दे सकती है? वो कैसे किसी के सामने ऐसे खड़े हो सकती है? सवाल दोनों के दिलो दिमाग में खलबली मचा रहे थे। बात एतबार की नहीं, मान की थी जो दोनों का टूटा था। जरान वो खुद आया था, उसने कमरे में आने से पहले परमिशन नहीं ली मैं उसे रोकती, अब्रिश ने रोते हुए कहा। मजीद उसके सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ओह, तुमने उसे इतनी इजाज़त दे रखी है बिना परमिशन के ही तुम्हारे कमरे में आ जाए? इतनी गहरी दोस्ती है, मुझे तो पता ही नहीं था। जरान एहतजाया हंसा। मतलब क्या है आपकी बात का? जरान के लफ्ज़ों से ज़्यादा उसका लहजा छुपा था। मतलब ये कि जब इतनी ही गहरी दोस्ती थी तो उस बेचारे को नाकामों मराद क्यों लटाया? उसके बदन के जख्म तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, दिल के जख्मों पर भी मरहम रख देती।
जरान ने कारदार लहजे में कहते उसे शरारबार निगाहों से घूरा। जरान आप ये क्या कह रहे हैं, आप होश में तो हैं? अब्रिश चलाई, चलाओ मत मेरे सामने। उस रात वो तुम्हारी ड्रिंक में गोलियां मिलाकर तुम्हारे साथ क्या करना चाहता था तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी तुमने उसे अपने कमरे में आने दिया। वो तुम्हारे हाथ पकड़े तुमसे इजहार मोहब्बत कर रहा था, तुमने उसे इतनी इजाज़त कैसे दी? दीदी, वो तुम्हारा हाथ पकड़े तुम बग़ैर दुपट्टे के उसके सामने कंफर्टेबल खड़ी थी। एक लड़की को अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, मगर तुम्हें देखकर ऐसे नहीं लगता। जरान के लफ्ज़ उसे अपनी रूह पर ताज़ियाने के तौर पर लगे। आप ये क्या कह रहे हैं, आप मेरे करेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं? अब्रिश ने बेयकीनी से कहा। करेक्टर है क्या तुम्हारा? जरान चिल्लाया। उसने कमरे में दाखिल होते ही ज़ेम को अब्रिश के बदन का मुआयना करते देख लिया था, मगर अफसोस वो ही ना पहचान सके। यही बात उसे आग लगा रही थी। ज़ेम के साथ कमरे में देखकर, आप मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हैं? अब्रिश ने रोते हुए बेयकीनी से कहा। तुम्हारे किरदार पर मैं उंगली नहीं उठा रहा, तुमने खुद मौका दिया। जो इंसान तुम्हारे थप्पड़ों का हकदार था तुम उसके साथ कमरे में खड़ी उसका इजहार मोहब्बत सुन रही थी। मेरे अलावा कोई और कमरे में आ जाता तुम्हारा किरदार मशकूक ठहरता या नहीं? बोलो, जवाब दो। जरान ने गुस्से से बोलते हुए अपने सवालों के जवाब चाहे। कोई कुछ भी कहता मुझे इतनी तकलीफ़ ना होती जितनी आपकी बातों से हो रही है, अब्रिश ने भराए लहजे में कहा। मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची उसे तुम्हारा हाथ पकड़ते देखकर, तुम्हें इस हुलिये में बग़ैर दुपट्टे के उसके सामने देखकर। जरान अब्रिश के सजे संवरे रूप पर नज़र डाले तपश सदा लहजे में बोला। जरान, वो सब कुछ सेम ने नहीं किया था, मेरी ड्रिंक में उसने गोलियां नहीं मिलाई थी, वो बेचारा बेकसूर है। अब्रिश जरान की बात काटते हुए बोली। अब्रिश की बात पर जरान के गैज़ो गज़ब में इजाफा हुआ था। अब एक लफ्ज़ भी मत निकालना अपनी ज़बान से उस इंसान के लिए, वरना मैं क्या कर डालूँगा मुझे खुद नहीं पता। जरान ने सर लहजे में अंगश शहादत की उंगली उठाई से तंबीह की। वरना क्या करेंगे, मुझे मारेंगे? वैसे ही जैसे ज़ेम को मारा, आपने साबित कर दिया है मेरी सोच आपके बारे में बिल्कुल ठीक थी। आप एक सालिम वहशी अजड गंवार इंसान हैं जिसे इतना नहीं पता एक औरत के साथ कैसा सलूक करते हैं, आप मुझे डिज़र्व ही नहीं करते। अब्रिश ने जरान की आंखों में देखते चटकते कहा। वो मज़ीद उसके इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अच्छा, मैं डिज़र्व नहीं करता, फिर कौन करता है? जरान ने गुस्से से उसकी कलाई दबोच दी, अपने मुकाबिल किया। मुझे कौन डिज़र्व करता है मेरे करैक्टर पर उंगली, मुझे कौन डिज़र्व करता है मेरे करैक्टर पर मेरे मुंह से क्यों अच्छा मैं डिज़र्व नहीं करता तो फिर कौन करता है? जरान ने गुस्से से उसकी कलाई दबोचते अपने मुकाबिल किया। मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं, खुद ही बोल दें मुझे कौन डिज़र्व करता है मेरे करैक्टर पर उंगली उठा चुके हैं, किसी का भी नाम मेरे साथ जोड़ दें, ज़ेम का जोड़ दें या फिर रमज़ान का जोड़ दें या फिर असवंद यार खान का जोड़। अब्रिश, जरान का हाथ हवा में बुलंद हुआ। अब्रिश की चलती जबान जरान की धाड़ और उसका उठा हुआ हाथ देखकर रुकी थी। अब्रिश ने सहमते हुए अपने गाल पर हाथ रखा। वो बेयकीनी से जरान का उठा हुआ हाथ देख रही थी जो उसने अपनी मुट्ठी बनाकर भींचते हुए अपने पहलू में गिरा दिया था। वो इसे एक बार फिर से मारने लगा था। अब्रिश पीछे को होती दीवार के साथ लगी उसे बहते आंसुओं के साथ देखने लगी। यू डिज़र्व दिस, तुम इसकी मुस्तहक थी। उसके करीब हुआ था, उसकी बेयकीन आंखों में अपनी खून रंग आंखें गाड़ी। तुम मेरा प्यार नहीं डिज़र्व करती, तुम इस काबिल ही नहीं हो तुमसे प्यार किया जाए। जरान उसे खून शाम निगाहों से घूरता चला गया था। वो बेयकीनी से बंद दरवाजे को देख रही थी जो वो धाड़ की आवाज़ के साथ बंद करके चला गया था। तो आज की एपिसोड ख़त्म होती है, तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा एंड पूरा उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। तो अच्छा, अल्लाह हाफिज़।